बनाने आ जाने चाहिए। तो हमारा प्रयास है कि मातृभाषा हिंदी के माध्यम से बच्चों को अंग्रेजी का शिक्षण किस प्रकार करवाया जाए। तो उनको तीन चीजें बतानी चाहिए कि एक तो सबसे इजी सेंटेंस जो थे छोटे छोटे जिसमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता था वो तो पहली से पांचवी कक्षा तक सिखा दिया जाता है, इज एम आर वाज वर हैज हैव और हैड के प्रयोग के माध्यम से। उन सेंटेंस में कहीं भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे यह एक पंखा है, दिस इज ए फैन, तो यहाँ पे न तो कम आया, न गो आया, न डांस आया, न वीप आया, न वीपिंग आया, न वेट आया। तो पांचवी तक उस स्टेज पे डिवाइड कर देना चाहिए अपने को। छठी से आठवीं तक लगातार बच्चों को टेंस और मॉडल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तीन ही प्रकार से अंग्रेजी में मुख्य वाक्य बनते हैं, या तो शुरुआत वाले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की मदद से, दूसरा है टेंस की मदद से, तीसरा है जब क्रिया भी आती वर्ब आती है लेकिन उसकी भावना हावी हो जाती है वो मॉडल कंप्लीट कर देता है। तो तीन ही मेन रूप होते हैं। तो अब इन तीनों रूपों को यदि मैं समझाने की शुरुआत करूं, सर ओके देखो जैसे परिवार में अपना जो मुखिया होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, दादा। तो टेंस एक परिवार है, तो दादाजी का नाम हमने रख दिया टेंस। आगे चल करके उसमें उसके तीन बेटे हुए दादाजी, यानी हमारे चाचा आगे ठीक है। तो उसको तीनों के नाम हमने अलग अलग रख दिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये हमें पता है कि हर आदमी में अपनी अपनी विशेषताएं होती है। इस दादाजी में तो सारी विशेषताएं हैं जो उसके बेटे और पोतों में है, लेकिन बेटों में कुछ विशेषताएं हैं, सारी नहीं है। और उसके बाद चलकर के इनके पोते चार चार होते हैं प्रत्येक भी, इंडेफिनिट है, समझ गए इतनी बातें तो बुढ़ो पता ही है, कंटिन्यूस है। हाँ परफेक्ट कंटिन्यू, इसी प्रकार चार इनके हो गए, एक दो तीन चार, आप समझ रहे हो, नाम समझ जाओगे। अब इस टेंस का मूल सार क्या है, ये टेंस की फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसकी फर्स्ट इसकी विशेषता ये होती है कि क्रिया जरूर लाता है अपने साथ। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजन है तो सारी बातें समझ गए कि वर्ब टेंस में 100% आएगी, कोई ये नहीं कह सकता कि वर्ब ना आए। अब टेंस नाम इसलिए पड़ा कि वर्ब के समय को टाइम को बताता है। इस टेंस में तीनों टाइम समाहित है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। अब उस टाइम को डिवाइड करने के लिए क्या होता है, वर्ब के साथ यदि ये तीन चीजें हैं, हूं और हैं या हो, ये विशेषता इसमें आ जाती है। और यदि ये न होकर के विशेषता ये आ जाए था, थे, थी, यानी सेंटेंस के हिंदी के सेंटेंस के अंत में वर्ब होने के साथ साथ ये चीज लग जाए तो ये कवर कर लेगा इस बात। तीसरी चीज है गा गे गी, यदि वर्ब भी है और ये विशेषता हिंदी के वाक्य के अंत में आ रही है तो ये चीज उसको कवर करेगा। आगे चल करके इन चीजों के चार रूप हो जाते हैं, यानी इसकी चार विशेषताएं हो जाती हैं कि वर्ब भी आएगी, ये भी आएगा, लेकिन चार रूपों में ये चीज आएगी, ता ते ती, रहा रहे रही, चुका चुके चुकी। पांचवा कोई तरीका है नहीं, होता तो जरूर अलग टेंस बनता अपना। और से प्लस, से की प्लस में आ जाता है रहा रहे रही। अब इसको जो कितनी महिमा मंडन कर लो, फलाना पैटर्न है, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो फलाना होगा, बहुवचन होगा तो फलाना होगा। यदि मैंने कह दिया कि किसी सेंटेंस के अंत में ता है और ती है और वो वाक्य यदि सकारात्मक है तो 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये आएगा। यूज करके देख लेना, सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन देखने की जरूरत नहीं है अपने। और ये न होकर के ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो हैं, तो 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, ऐसे इस नहीं लगेगा। सिर्फ ये दो चीजें बच्चों को नोट करवानी मातृभाषा के तरीके से कि दो अक्षर नोट कर लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि ता है, ती है, तो चार प्रकार के सेंटेंस डलते हैं इस टेंसों में। कौन कौन से, शुरुआत वाला सकारात्मक, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव।
उनने दी दो खासियत आती है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस, नेगेटिव यदि आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म छोड़कर के डू या डज आती है तो डू अकेला है, यानी कि ये चीजें एस या यस ला रही है यही नेगेटिव में ला रही है तो इसके आगे यस जोड़ दो डज बन गया, और ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर अकेला डू अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो इस प्रकार मेरा कहने का स्टार्ट का मतलब ये था कि टेंस की विशेषता ये कि क्रिया के समय को बताता है, क्रिया के समय को मूल रूप से तीन प्रकार से टेंस बताता है, फिर आगे चल करके इसके सब पार्ट चार चार हो जाते हैं और प्रत्येक के अंत में ये विशेषताएं मिलती है, यानी कि अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो रहा है, रही रहा रहे के साथ ये जोड़ देंगे, पास्ट है तो रहा रहे के साथ थे ये जोड़ते हैं रहा था रही, फ्यूचर है तो रहा होगा रही होगी रही होगी। कहने का मतलब ये है इतना ही बड़ा झमेला है और यदि कोई बच्चा टेंस के पैटर्न सीख जाएगा तो मैं कहता हूँ कि 70% इंग्लिश सीख जाएगा, इंग्लिश में कभी मार बाकी वो अपने आप